टिहरी झील से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या टिहरी झील में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या टिहरी झील में हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है? आखिर ये आस्था का विषय क्या है? जो बेहद खूबसूरत है, विश्व प्रसिद्ध है, जो शांत है, जिसे देखने मात्र से मन को शांति और आंखों को सुकून मिलता है, आखिर उसी टिहरी झील के अंदर से वो कौन सी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसे एक सच्चा सनातनी कभी भी देखना पसंद नहीं करेगा? आखिर टिहरी झील की पवित्रता में वो कौन सा अपवित्र कार्य किया जा रहा है जिसके विरोध में, जिसकी शिकायत दर्ज करने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य और पदाधिकारी पहुंच गए जिला अधिकारी के पास। गौर से देखिए इस वीडियो को और कमेंट करके बताइएगा कि टिहरी झील में जो ये कृत्य हो रहा है, क्या ये सही है या फिर तत्काल इस पर रोक लगा देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार। 60 के दशक से लगातार विरोध के बाद माँ भागीरथी और भिलंगना की अविरल निर्मल धाराओं को बांधकर टिहरी में बांध बनाया गया। टिहरी बांध जो भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बांध है। टिहरी बांध का जलाशय घनसाली से चिन्यालीसौर तक 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। टिहरी झील में पवित्र गंगा जल भरा हुआ है। टिहरी बांध का विरोध माँ भागीरथी और भिलंगना की अविरल निर्मल धाराओं को बहते रहने के लिए और माँ गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ही किया गया था। आज इस क्षेत्र में घनसाली से चिन्यालीसौर तक माँ भिलंगना और भागीरथी झील के रूप में नजर आती है। इस पवित्र झील के ऊपर कुछ ऐसे अपवित्र कार्य किए जा रहे हैं जिसका खुलासा विश्व हिंदू परिषद ने किया है। टिहरी झील के बीचों बीच एक फ्लोटिंग हाउस है जिसका संचालन लीज पर ली रॉय कंपनी कर रही है। टिहरी जिले से विश्व हिंदू परिषद के जिला पदाधिकारी यशपाल सजवाण ने फेसबुक पर एक वीडियो अपलोड की है और बताया है कि इस फ्लोटिंग हाउस के अंदर एक रेस्टोरेंट है और इस रेस्टोरेंट में वो तमाम डिशें बनाई जा रही हैं जो कहीं ना कहीं गंगा की पवित्रता को भंग करती है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि फ्लोटिंग हाउस के अंदर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं और लगातार ऑर्डर दे रहे हैं। धड़ल्ले से अंडे का ऑमलेट भी बनाया जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों की माने तो कुछ समय पहले भी यहाँ पर इस प्रकार का कृत्य किया जाता था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो शिविर का पानी है, जो गंदगी है, उसे भी झील में छोड़ दिया जाता था। उस समय भी इसका विरोध किया गया था और विरोध के बाद कंपनी का चालान काटा गया, जिसके बाद इस कार्य पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब पुनः यह कार्य शुरू हो चुका है और एक बार फिर से इसके विरोध करने की आवश्यकता है। जहां एक ओर टिहरी झील की खूबसूरती विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त कर रही है, वहीं दूसरी ओर टिहरी झील की पवित्रता के अंदर जिस प्रकार के अपवित्र कार्य किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके विरोध की अत्यंत आवश्यकता है और सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। दोस्तों टिहरी झील के अंदर जो फ्लोटिंग हाउस है, उस पर जो रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट में जो कुछ किया जा रहा है उसको हम अंदर से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी यशपाल सजवाण ने इसके बारे में क्या कहा है और उनके क्या विचार हैं। आज जो हम यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय से दो मुद्दों को लेकर आए थे, जिसमें एक मुद्दा था जो टिहरी झील के ऊपर लीराय होटल द्वारा जो हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुंचाकर अंडे बनाना, इस प्रकार की जो गतिविधियाँ वहाँ पर की जा रही थी उसके खिलाफ हम यहाँ पर आए थे। ये हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को कि हिंदू आस्थाओं को ठेस न पहुंचाई जाए और माँ गंगा के ऊपर इस प्रकार से अंडे और जो आमलेट वहाँ पर बनाए जा रहे हैं, परोसे जा रहे हैं, वो ना परोसा जाए, क्योंकि पूर्व में भी लीराय होटल द्वारा झील में किचन का गंदा पानी और सीवर गंदा पानी डाला गया था, जिसमें उसकी जांच हुई थी, उनका चालान काटा था और उनको निर्देश दिए गए थे कि आप झील के ऊपर कोई भी किचन का संचालन नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी पुनः ली रॉय होटल संचालकों द्वारा उस पर किचन का संचालन किया गया और वहां पर जो है कि अंडे बनाए जा रहे हैं जो कि हमारी हिंदू आस्थाओं को ठेस पहुँच रही है। पूर्व में ली रॉय होटल द्वारा जो है कि टिहरी झील में बने फ्लोटिंग हाट में जो है कि गंदगी हो या सीवर का पानी हो वो झील में छोड़ा जा रहा था, जिसके बाद इनका जो है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा जांच की मांग की गई थी, जिसमें जांच हुई थी और इनका चालान काटा गया था और उनको निर्देश दिए गए थे कि आप इस फ्लोटिंग हट पर कोई भी किचन संचालित नहीं करेंगे। लेकिन
सोशल मीडिया के माध्यम से हमें पता चला है कि लीरोय होटल द्वारा वहाँ पर कोना जो है कि किचन का संचालन किया जा रहा है, बुफे लगाए जा रहे हैं और आमलेट अंडों के बने आमलेट वहाँ पर मुझे कि परोसे जा रहे हैं। इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जो लीज दी गई है उसको रद्द किया जाना चाहिए। चारों तरफ टिहरी झील का खूबसूरत दृश्य, झील के बीचों बीच बना फ्लोटिंग हाउस, फ्लोटिंग हाउस के अंदर रेस्टोरेंट और उस रेस्टोरेंट में काम करता एक कुक। ऑर्डर आया अंडे का ऑमलेट और कुक यहाँ पे अंडे के ऑमलेट को बनाते हुए आप देख सकते हैं कि इस ऑमलेट में वो तमाम चीज़ें डाली जा रही हैं जिससे इसका स्वाद काफ़ी अच्छा हो और कहीं ना कहीं इस ऑमलेट का स्वाद विश्व हिंदू परिषद के स्वाद को बिगाड़ रहा है और हिंदू सनातन के स्वाद को बिगाड़ रहा है, क्योंकि ये रेस्टोरेंट पवित्र गंगा जल के ऊपर बना हुआ है और ये देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पे जो कस्टमर हैं वो बैठे हुए हैं, जो सैलानी यहाँ पे घूमने आते हैं और उनके द्वारा लगातार ये ऑर्डर दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कुक लगातार कुकिंग कर रहा है। ये अंडा तोड़ा गया और अंडे को ऑमलेट बनाने के लिए पैन पर डाल दिया गया है और दो अंडों का ऑमलेट एक बार फिर से बन कर के तैयार हो रहा है। इसके ऊपर मसाले डाले जा रहे हैं, नमक डाला जा रहा है और लगातार ये कुक यहाँ पे काम कर रहे हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि टिहरी झील का मनमोहक दृश्य है, कहीं पे बोटिंग हो रही है और ये ऑर्डर भी तैयार हो चुका है और ये अंडे का ऑमलेट बन कर के आगे परोसा जा रहा है। इसी का विरोध कर रहा है विश्व हिंदू परिषद। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी और हम यही उम्मीद करते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि टिहरी झील में जो ये कृत्य हो रहा है क्या ये सही है या फिर तत्काल इस पर रोक लगा देनी चाहिए। आपके विचार, आपका सहयोग, आपका सुझाव हमारे लिए अति आवश्यक है। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।